कचरा का जो है पहाड़ बना रखा है पूरा का पूरा। शहर की जो गंदगी है जड़े डाली जाए है बी जगह का आप मौका को पर खड़े हाँ मच्छर इतना ज्यादा हो रहे हैं देख ला रहे होते हाथ पेरा झटकाना पड़ लग रहा है मन और कैमरा मैन मिनट मिनट के अंदर बा मशीन है जी मशीन से कचरों छानी जाए। सुबह शाम काम करोगे थे सारा? हाँ सवेरे 8 बजे तो लाके 5-6 बजे 7 बजे। आयो है राजस्थान रो खुदरो ओटीटी प्लेटफॉर्म जठे आपने मिल सी वेब सीरीज फिल्म कविताएं कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। सगड़ा दर्शकों ने राम राम मैं थारोबेली आशु थे देख ला रहे हो झलको हनुमानगढ़ ई टाइम आप मौजूद हाँ हनुमानगढ़ को जो नवा गांव है बाईपास बठे मौके के ऊपर और जो शहर को जितो भी कूड़ो कचरो है शहर की जो गंदगी है जड़े डाली जाए है बी जगह का आप मौका के ऊपर खड़े हाँ अठे की ग्राउंड रिपोर्टिंग है बा स्थाने दिखाऊंगा क्या के तरीकों है जो हनुमानगढ़ शहर को जो कचरो है टाउन जंक्शन आसपास के इलाके वो जितो भी कचरो है सारों को सारों बाईपास पर ले आके है नवा गाँव के अंदर बाईपास पर अठे एक कूड़े को बना रखे हुए डेढ़ सारों को सारों लिया गया है अठे गेरीज है बराबर के अंदर ये एक मेडिकल कॉलेज को जो निर्माण है वो भी होवा लाग रही है लेकिन विडंबना आ है कि कूड़ो कचरो है जो अठे डाले जावा लाग रही है लेकिन इन्हें बराबर मेडिकल कॉलेज को निर्माण होवा लाग रही है और अठे को जो माहौल है वो ही प्रकार को है मतलब दुर्गंधमय के अठे में खड़े हाँ तो माने ही बेरो मतलब के परिस्थिति के अंदर अठे मौके के ऊपर खड़े हाँ मेडिकल कॉलेज ने अभी लाग जाएगा लगभग साल एक और तैयार हो गए बनने में पूरा में बी के बाद में के माहौल रहोगे के परिस्थिति रहोगी कूड़े के बराबर के अंदर ही मेडिकल कॉलेज क्या चला गो पेशेंट वगैरह है और जो टाबर जो पढ़ाई करना होगा और आओगे बे ई माहौल के अंदर क्या पढ़ाई कर पाओगा वो एक विचार करने को और एक सोचने को विषय है। मच्छर इतना ज्यादा हो रहे हैं देख खिला रहे होते हाथ पेरा झटकाना पड़ लग रहा है मन और कैमरा मैन मिनट मिनट के अंदर इला पास भी जो कचरो है इतो ज्यादा है और माहौल है वो मतलब बड़ो ही दुर्गंधमय माहौल है बराबर के अंदर ही बाईपास निकले लोग है अठू जावा है जी टाइम कोई पैदल जावा या मोटरसाइकिल पर साधन पर वो भी जानू अठू संकोच करे क्योंकि वातावरण है ठगो वो बहुत ज़्यादा बदबूदार है हर समय अड़ा बदबू का माहौल रहना और मच्छर माखियां है जो एक तरीका कह दें चाहे जो खुली बीमारी ने न्योतो देनो वो काम है जो कूड़े की ढेरी है वह इनने से शुरुआत हो चुकी है इनने से लेके आगे तक इन्हें घुमा के है जो थाने दिखाऊंगा गंदगी बहुत ज़्यादा है जल्दी चले जाओ को लाग रहे हो क्योंकि फूंक फूंक के जो कदम है वो रखा लाग रहे हैं पशुआ ने भी अठे खाने के अंदर है जो कूड़े के अंदर पशु जो आपका रोटी पानी का जो सामान है खाने को वो काटा लाग रहा है कचरा का जो है पहाड़ बना रखा है पूरा का पूरा और आंखों पर जो गंदगी है फैलेड़ी है पसरेड़ी है मशीना भी अड़े की प्रकार की कोई लागेड़ी को नहीं ताकि कचरे ने है जो जलायो जा सके क्योंकि आमतौर के ऊपर है जो कचरों इकट्ठो करने के बाद के अंदर है बिना जलायो जाए है बिना नष्ट करे जाए है लेकिन अठे है जो लंबा टाइम हुआ है कचरों बिया को बिया ही पड़े है और वो कचरों बीमारी बना लाग रही है एक तरीके को ना तो ना जलायो जावा लाग रहे हो ना ही कचरा ने नष्ट करे जावा लाग रहे हो और पॉलीथीन है मैं दिखाना चाहूंगा मैं थाने का जो पशु है वे पॉलीथीन खावा लाग रहा है और ए पशु पॉलीथीन खाओगा तो पॉलीथीन को के नुकसान है वो कोई छिपेड़ो को नहीं थाने सबने पता हो पॉलीथीन खाया बाद के अंदर पशु की है जो आंता के अंदर पॉलीथीन फंस जाए और बी की वजह हुआ जो पशु की मौत हो जाए क्या पशु है जो पॉलीथीन खावा ला रहा है परला पास देख ला रहे होते एक शेड को जो निर्माण है वो करे गए है ताकि वे काम काज करना रहा वे थोड़ा आराम कर सके लेकिन अठे भी कोई व्यक्ति है या कोई बंदो है व्यक्ति विशेष कोई अड़ा दिखा को लाग रहे हो गंदगी का जो माहौल है ऐसा माहौल के अंदर है कोई ना तो खड़े रहना चाहे ना कोई बैठना चाहे अब इला पास आप जाऊँगा अगला पास एक आधी मशीन लाग रही है परले छोर पर बाग से आगे बातचीत कराँगा बाग जानांगा कई कचरों क्यों कौन जलाया जावा लाग रही है और के कारण है क्योंकि ये ढेरियाँ अड़े बनी पड़ी है इतनी और आगे अंदर तरह तरह की जो बीमारी है वह पनपेगी तरह तरह का कीड़ा है जानवर है बे निकलागा बांगी बजाऊँ आप बीमारी फैलेगी और अठे जो जो आओगे वो भी बीमारी के चपेट के अंदर आओगे सामने जो देख लाग रहे होते बिल्डिंगा दिख रही है थाने वो मेडिकल कॉलेज है मेडिकल कॉलेज को निर्माण चला लाग रहा है लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं निर्माण चाले ने और अभी साल एक के अंदर है जो बन के है पूरा तैयार हो जाओगे बी टाइम अठे को के माहौल रहोगे और प्रशासन है जो नगर परिषद है या तो कचरे की व्यवस्था है खड़े और करनी पड़ेगी नहीं अगर व्यवस्था अठे ही रही तो मेडिकल कॉलेज में जो भी स्टूडेंट आओगा पेशेंट आओगा वहाँ खतरा अठे रहना है दुश्वार हो जाएगा एक तरीका के नाम है थारो मेरा नाम हरजीत सिंह है ते के करो वैसे बैठे कुछ नहीं अभी देखा पड़ी करनी देखा ठेकेदार ठेकेदार कौन है सुखदीप सिंह है तो अठे मतलब सुबह शाम काम करोगे थे सारा? हाँ सवेरे 8 बजे तो लाके 5-6 बजे 7 बजे तो भाई साहब एक बात बताओ हरदीप जी अठे मेरे खड़े रहना है जो बहुत दुबर हो रहा है ठीक है 10 मिनट के अंदर वो हाल हो गया पूरे दिन किया निकला वही है ना काम करना पड़ता है
तो आदत पड़ गई है। मक्खियां पाल रखी है, मक्खी तो पाली है, पालड़ी है, पालड़ वर्गी है। तो मैंने एक बात यहाँ बताओ थे, मतलब अठे बराबर में मेडिकल कॉलेज को निर्माण चला लग रही है, तो वो परमानेंट आई चीज रहोगी कचरा रही अठी और किन स्थानांतर सालों नहीं पता है नगर परिषद के थ्रू ही हो रहे हैं सर। और खटा खटा वो कचरा अठे लिया डाली जाए बार इधर मिट्टी डीडी दफ्तर की साइड उधर मिट्टी जाती है उधर जाती है। अच्छा अच्छा डीटी ऑफिस की साइड में बैठे नहीं तो मतलब टाउन को जंक्शन को सारा कचरा अठी आगे लिया सारा इतना आता है। तो ये कचरा ना जिया डेरिया लग रही है आने जलाओगा खत्म किया करा गई कचरा छान छान करी जाती है मशीन ही कर दी है। ये तो मशीन भी कचरा खत्म कर दे वो थोड़ा दोबारे गल जाता दोबारे निकल जी बीज दी नहीं या तो नहीं है बाकी दूसरी सिटी देखा जमीन में गाड़ी जा और करी जा अपना को नहीं अपने ध्यान है ठेकेदार ने पता की करना है काम का मशीन चलानी है साडा काम तो यह है कि काम करा मशीन काम के करा कचरा छान दी है कचरा छान मतलब एक बुलडोजर है वो ऊपर कचरो डाला कोई गंदर वगैरह कचरो छाना भी। तो आ देख लग रहे हो थे आ वा मशीन है जी मशीन से कचरो छानी जाए ऊपर लबासा है देख ला रहे हो थे जिस भी मशीन है अंदर कचरो डालेगी ऊपर और एक कुर्सी लागेड़ी है बंदो बैठा हो और मशीन में ऑपरेट करोगे फिर है मशीन है कचरा ने है जो छान देगी कचरा ने गाड़ देगी और यहाँ देख ला रहे हो कचरो एक तरीको मिट्टी बन जाओगे जी मशीन के नीचे देख रहे हो थे निचला पास है वो कचरो है जो पूरा तरीको मिट्टी बन चुके है वो कचरो और मिट्टी बने बाद के अंदर है लेकिन खत्म फिर भी को नहीं हो कचरो देख ला रहे हो थे अगला पास है जो कूड़ा को जो ढेर है कितो ज्यादा है वो सारो को सारो कूड़ा को ढेर है बहुत ज्यादा है परलवा से एक जो है मेन सड़क है वह भी निकला आ गया बोर का नहीं जावा तो जो रागीर है साधन लेके जावा अठाऊ वे आपकी जो खिड़कियां है अठाऊ वे बंद करके चले क्योंकि अगर खिड़कियां बंद नहीं करे तो माखियां इतनी ज्यादा है अठे एक तरीके फौज कह दो चाहे माखियां की फौज वाह है अठे और आदमी ने निकलने को दे होगी अठाऊ गाड़ियां के अंदर है माखियां भर जाएगी पूरी तरीके वो देख ला रहे हो रास्ते थे और पशुओं के सागे सागे है जो आवारा कुत्ता की है भाभी बरमार बहुत ज्यादा है। ओहो हनुमानगढ़ को जो कूड़ो कचरो डालिया करा हाँ टाउन और जंक्शन को और आसपास के कस्बा को जितो भी कूड़ो कचरो है वो सारा को सारो जो नवा गांव है बाईपास के अठे डाली जावे है वातावरण आसपास को है जो बड़े हुई दुर्गंध में है लोगों को आवागमन है अठो वो एक तरीके दुर्बर हो चुके हैं बराबर में मेडिकल कॉलेज को निर्माण है वो चल रहे हैं मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएगो तो बी टाइम के परिस्थिति रहोगी के कंडीशन रहोगी आ एक विचार करने की है जो बात है। तो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बताओ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में दे बेल आइकन के बटन ने दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो थारे भी गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में झलको हनुमानगढ़ चैनल हमारा नंबर चल रहा है थे हमारे नंबर पर फोन करो मैसेज करो और या थे थारा मोबाइल नंबर है कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप कर दियो मैं थारू संपर्क करूंगा थारा गांव में पहुंचाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा। अंत में माने दियो इजाजत मिला थार सगे अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।